जयंती राव हैदरी का जबरदस्त शो रहा है दिल्ली में, जयंती रेड्डी के लिए आज चली हैं ये, कैसा लगा? पहले तो जयंती जी के आउटफिट में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही आज। थैंक यू उदय, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव जयंती, और मुझे जो उनकी हमेशा क्रिएशन होती है और जो वो कलेक्शन डिज़ाइन करती है, मुझे सच में बहुत बहुत आई रियली रियली वाइब विद इट, आई रियली लव इट, और इट्स वेरी एफर्टलेस टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग एंड बीइंग हैदराबादीज, हमें बात भी नहीं करनी पड़ती और हम नॉर्मली सेम आउटफिट पिक करते हैं और हमारा एस्थेटिक भी सिमिलर है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है जयंती के साथ कोलैबोरेट करके। फेवरेट रंग है ये आपका, लाइट कलर्स पसंद हैं? मुझे एक्चुअली सारे रंग पसंद हैं, लाइक ट्रूली कोई भी रंग, मैं हमेशा समझती हूँ कि ये मेरा रंग है और मैं खुशी से पहनती हूँ। आई थिंक दिस आई जस्ट फाउंड वेरी यूनिक इन इट्स होल स्टाइल, और इसका काम और इसका जो एक बीटन गोल्ड का जो रंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई फाउंड इट वेरी, आई लव sort of legacy and I'm a sucker for tradition but with a contemporaryness to it, so I like the ease of it. बहुत जल्द अदिति के रैंप वॉक के बारे में और आपके कलेक्शन के बारे में, क्या इंस्पिरेशन? So like I mentioned before, the inspiration has been the Nawabi and Nizami culture. I'm from Hyderabad and the culture has been so rich there. I've been born and raised there and I've always grown up seeing that culture. So everything from the Nizami high jewelry to their clothes has been very inspiring, whether it's the Basra jewelry or whether it's the khara dupattas, and I've translated that onto the ramp today. And Aditi's outfit is a very contemporary silhouette, and I think Aditi really gels with the brand identity, and I couldn't have thought of anyone better, apart from the fact that we have a very, very personal collection, connection. So, that's a little bit about her outfit. Thank you so much. आखिर में 2024 अब तक बहुत अच्छा रहा है आपके लिए. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel. Hit the bell icon.